हजारीबाग शेख भिखारी हॉस्पिटल में आज पत्रकार समेत 18 प्लस और 44 वर्ष तक के 150 लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें पत्रकार और उनके घर परिवार और परिजनों ने खूब उमंग के साथ वैक्सीनेशन लगवाया। और यदि एनएम शोभा कुमारी की माने तो उनका कहना है कि ये वैक्सीनेशन का टीका लगवाने से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और अन्य बीमारियों से लड़ने में ये टीका शरीर में इंसान की ताकत को बढ़ाता है और ये टीका सभी लोगों को लेना चाहिए। ये बीमारी कोरोना संक्रमण में बहुत ही कारगर पूरे भारत में साबित हो रहा है और ये टीका काफी सुरक्षित है। और एएनएम शोभा ने ये भी बताया कि पत्रकार और उनके परिजनों में टीका लगवाने को लेकर काफी उत्साह देखा गया, जो कि हमारे हजारीबाग के लिए एक शुभ संदेश है। और खुशी की बात यह है कि दूसरी लहर में हम सब बहुत कम समय में ही कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी पर जीत पा लिए। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। कितने लोग, कितने पत्रकारों को वैक्सीन पड़ा है? 100 लोगों को पड़ा है। 100 पत्रकारों को, पत्रकारों को कि पत्रकारों या ये इसमें कोई ये नहीं है कि पत्रकार को लग रहा है कि क्या हम लोग काम लोग नहीं करते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी 45 प्लस का आया हम लोग उसको लगाते हैं। क्या कुछ मैंने जैसे कि क्या कुछ प्रक्रिया है, किस चीज से क्या कुछ लेना है? जब जो आया सुन लेने के लिए उस समय हम लोग जैसे फाइल खोले और टाइम लिखे, डेट लिखे, उसमें आज खोल रहे कितना टाइम में खोल रहे, तो ये तो देने का टाइम है। जैसे एक फाइल खोले ना तो 3 घंटा ही चलता है, 3 घंटे के बाद हम लोग नहीं देते, तो उसमें हम लोग टाइम लिखते हैं, लिखे उसमें लिखा है 1:24 में खोले थे। हाँ, तो उसको 3 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। एक फाइल में 10 आदमी को पड़ता है, तो 10 आदमी का 3 घंटे का अगर खत्म कर देना, तो हम लोग वैसे। और ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, कितने बजे चालू होते हैं आप? 10 बजे से 10 से 10:15-10:20 तक हो जाता है। चालू हो जाता है। और अभी मैंने कब तक बोलना? 4 बजे तक चालू हो जाता है। क्या कुछ परिचय हुआ? मेरा कुमारी है ना। ठीक है, कितने पत्रकारों को वैक्सीनेशन की वैक्सीन दिया गया है? 70 लोग का था, 70 लोगों को 50 लोग को पड़ा है, 50 पत्रकारों को मतलब लेडीज पुलिस सभी, उनके बच्चों को भी पड़ा होगा। क्या कुछ मैंने कैसा उन लोगों को एहसास हुआ, किस तरह का कुछ? क्या कुछ इसका सिस्टम है, थोड़ा सा सिक्योरिटी तरीका बता दिया जाए? आज तो वैक्सीन पड़ा है, वैक्सीन पड़ा लोगों को, पहला डोज है, तो वैक्सीन पड़ा दूसरा डोज 4 सप्ताह से 6 सप्ताह के अंदर देना है। दूसरा डोज पड़ना है 4 सप्ताह से 6 सप्ताह के बाद अंदर देना, बस वही डोज है ना? क्या लगता है, मैंने ये वैक्सीन लेने के बाद क्या मैंने कुछ बदलाव तो आना ही आना चाहिए? कोरोना से बचाव तो ये ठीक कार्य है। और यूनिटी बढ़ा रहा है। क्या कुछ परिचय हुआ, क्या कुछ परिचय हुआ आपका, क्या नाम हुआ आपका? एनएम कार्ड दिया है। वैक्सीन मैडम आपने ले ली, कुल कितना देर हुआ, कुल समय कितना देर हुआ वैक्सीन लिए हुए आपका? 5 मिनट। कैसा लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद? नॉर्मल लग रहा है। और आम जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहती है? बस ये मैसेज देना चाहती है, और गवर्नमेंट ने ये सब किया है वैक्सीन का, तो हम लोग सबको लेना चाहिए, जिसका जो टाइम आता है उसको ले लेना चाहिए। जैसे कि 45 के प्लस वाले लोग हैं, पहले हुआ उन लोगों ने लिया, फिर 18 प्लस है तो उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने जब ऐसा किया तो सबको लेना चाहिए। सारे वासियों को मैसेज आप देना चाह रही हैं कि लगभग सभी कोई ले, बीमारी से बचे, बीमारी से रोकथाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ जी ना। क्या कुछ परिचय मैडम आपका, क्या नाम हुआ? मंजू मेहता। कहाँ से मैडम? हटवारी से, हटवारी हजारीबाग। वैक्सीन क्या आप ले लिए? क्या कुछ कैसा लग रहा है, क्या एहसास लग रहा है? कुछ नहीं, नॉर्मल फील हो रहा है। कितना देर हो गया वैक्सीन लिए हुए आपको? 10 to 15 मिनट। अच्छा, 20 मिनट समथिंग हो गया है, मैंने किसी तरह का कोई एहसास नहीं है। और क्या कुछ आप शहरवासियों को मैसेज देना चाहते हैं? आप
सभी लोग ले रहे हैं अपने लिए अपने सब लोग। जैसे मोहल्ले में यार कोई भी पहले लिए होंगे उन लोगों का कोई तरह का फीलिंग या कोई तरह का ये नॉर्मल है? मैंने एकदम अच्छा लग रहा है कि भाई अच्छी लेने के बाद और थोड़ा सा और रिलीफ लग रहा होगा कि जो भी मैंने कुछ होगा भी तो उससे सेवा कर रहा है। क्या कुछ परिचय हुआ आपको? मेरा परिचय नाम राजेश कुमार हुआ, मैं ग्राम प्रकाश।